हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, सेल वाउचर के बारे में, ठीक है। तो आपको जो है कल हमने सेल वाउचर को मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया था, और उसके बाद में क्या दिया था, इसमें एक प्रोजेक्ट जो था उसको हमने जो है उस पर आपको सेट करके दिखाया था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेल वाउचर में जो भी परचेस मतलब जैसे सेल का ट्रांजेक्शन किया जाता है लाइक प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे हम प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। तो सेल में क्या था, आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया था लेकिन वो प्रोजेक्ट आपका काम चलाऊ था। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि प्रेस कंट्रोल प्लस वी की टू चेंज एज वाउचर एंड इन वाइस, यानी कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम परचेज का एंट्री कराते हैं लेकिन जब F8 प्रेस करते हैं सेल के लिए तो वहां पे काम नहीं करता है, तो वहां पे हमको इनवॉइस जो है क्या करना होता है, चेंज करना होता है, इसके लिए कंट्रोल भी होता है। तो ये छोटा सा एक कमांड है, आप जरूर याद रखिए। आपको बता देते हैं जैसे कि जितना आगे आप चलते चलेंगे, अभी हमें पीछे बताया था आपको रिसीव पेमेंट कंट्रा, उसके बाद में परचेज सेल, उसके बाद में आपको जनरल स्टॉक आएगा, परचेस ऑर्डर आएगा, परचेस सेल आएगा। जैसे कि हम मॉल में कोई सामान लेते हैं तो डिस्काउंट कैसे उस पर सेट करते हैं, तो डिस्काउंट भी इसमें पढ़ना है, बहुत सी चीजें हैं। तो इसके लिए आपको पीछे का क्लियर होना चाहिए, यानी कि रिसीव पेमेंट परचेस आपका ये सब क्लियर हो जाए तब आपको ये सवाल समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, इसे तो हम इससे ना इसमें डिटेल्स बता रहे हैं कि आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पीछे का क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए मैन स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश, कितना 5 लाख रुपीज, ही रिसीव कमीशन फी कितना 10,000 रुपीज, उसके बाद सॉरी कमीशन फी पर यहाँ प्रोफेशनल फी दिया हुआ है कितना 10,000 रुपये, एंड कमीशन रिसीव कर रहा है 2,000 रुपीज, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ठीक है, यहाँ पे भी किया जा रहा है कितना 500 रुपीज। परचेज डिटेल्स आर गिवन बिलो, यानी कि परचेज डिटेल्स आपको जो है नीचे दिया हुआ है, आपको इसके बेसिस पे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, परचेज डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि अगर हम जो है कोई भी कंपनी अपना खड़ा करना चाहते हैं या बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले किसी भी सामान को खरीदते हैं न कि सेल करते हैं, पहले सामान खरीदेंगे उसके बाद बेचेंगे। तो सेम लाइक इसमें जो है आपको सेल में भी परचेस देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जो है पहले सामान को परचेस करेंगे फिर सेल करेंगे। आपको याद होगा कल जो है हमने केवल सेल का प्रोजेक्ट बनाया था तो वहां पर नेगेटिव वैल्यू दिखाया था, इसीलिए क्योंकि हमने जो है परचेस किया ही नहीं था और केवल सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको बायो डाटा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम क्वांटिटी, ये सब वगैरह वगैरह दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे सॉरी ज्यादा चला गया, यहाँ पे सेल का भी क्या दिया हुआ है, मेटर डिटेल्स दिया हुआ है कि क्या क्या, मतलब जैसे कि हम कुछ सामान खरीदे हैं, जैसे कि राइस ने लिए यहाँ पे, तो राइस हमने जो लिया हुआ है कितना लिया हुआ है 15 kg लिया हुआ है, भाव कितना है तो 1000 के रेट से, और यहाँ पे हम जो है सेल कर रहे हैं कितना 5 kg, और यहाँ पे जो है हम 1200 के हिसाब से सेल कर रहे हैं। या जैसे मान लीजिए कि हमने कोको कोला खरीदा हुआ है, यहाँ पे 20 बोतल हमने कोको कोला लिया हुआ है कितने के भाव से 105 के भाव से, तो जब भी हम सेल करेंगे तो उससे ज्यादा हमको चाहिए, तभी तो हमको मतलब अपना प्रॉफिट भी लेके उसमें चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, सेल किया कितना 10 बोतल, और ये जो है हमने 165 के हिसाब से सेल किया, तो हम इसमें अपना 60 रुपये का मार्जिन रख लिए। तो ये आपका जो है जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें अपना भी क्या करते हैं, जो मतलब किराया वराया अपना जो खर्च होता है वो सब लेके आप उसमें क्या करते हैं, सेल करते वक्त लेके सेल करते हैं। अब उसके बाद में क्या कहा, देन शो बैलेंस शीट एंड स्टॉक समरी, आपको ये दो चीज देखनी है, बैलेंस शीट देखनी है और स्टॉक समरी देखनी है। तो यहाँ पे जो है हमने अंडर मतलब लेजर में बहुत लोग बनाने में गलती कर देते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, और यहाँ पे एंट्री भी दिखाया है कि किससे मतलब किसका एंट्री किसमें होगा, ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन न रहे। तो देखिए पहले यहाँ पे कैपिटल का जो है कैपिटल अकाउंट बनेगा, प्रोफेशनल फी का जो है इसमें क्या होता है डायरेक्ट इनकम आता है लाइक, उसी तरह यहाँ पे कमीशन जो है इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, पे कर रहा है कि पेमेंट में जाएगा, F5 होता है इसका, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब उसके बाद में यहाँ पे F9 एक परचेस का बनेगा और F8 एक सेल का बनेगा,
तो ये चीजें आपको क्या करनी है, बना कर रखनी है। उसके बाद में हमने जो है यहाँ पे आपको नीचे का प्रोसेस नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं पहले आपको क्या करना होगा, कोई एक कंपनी क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम लाइन से देखते चलते हैं, पहले टैली ओपन कर लेते हैं। और आपको ये नोट्स जो है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपके पास एक जो है अपना खुद का लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, जिससे क्या करें आप अपना प्रैक्टिस कर सके। तो यहाँ से वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाने के लिए ऑल के साथ में डब्लू, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको भी क्या होगा याद हो जाए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस कंपनी को क्लोज करना है, तो कंपनी इन्फो में जाने के लिए ऑल के साथ F3 और यहाँ से शॉर्ट कंपनी कीजिए और कोई एक कंपनी क्रिएट कीजिए, क्रिएट कंपनी में जाइए। ये तो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे PVT कोई कंपनी है, यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे हम डिटेल अगर डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट एक साथ में कर लीजिए, यानी कि ऑल सेव हो जाता है, ठीक है, कोई झंझट नहीं रहता है। एस्केप की से थोड़ा सा बैक आइए, गेटवे ऑफ टेली में जाइए। अब करना क्या है, आपको पहले अकाउंट इन्फो में जाके आपको जो है लेजर क्रिएट करना होगा। फर्स्ट काम हमारा लेजर क्रिएट करने का होता है, जो कि उसमें दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले हमारा है कैपिटल, तो यहाँ से कैपिटल बनाइए और ये अंडर में कैपिटल ही होगा। इसको Ctrl+A करके सेव कर सकते हैं या इंटर प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद में एक है आपका प्रोफेशनल फी, और ये क्या हो रहा है, REC रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा, क्योंकि ये हमको क्या कर रहा है, फी जो है रिसिप्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। ये भी आप एक्सेप्ट कराइए। उसके बाद में एक कमीशन मिल रहा है, कमीशन रिसिप्ट हो रहा है, तो इसका भी आप ले लीजिए। लेकिन कमीशन जो होता है ना, रिसिप्ट हो या लेकिन कमीशन हमारा इनडायरेक्ट आता है, तो यहाँ से इनडायरेक्ट लिख लीजिए, इनडायरेक्ट इनकम आ रहा है, चलिए ये सही है। उसके बाद में एक जो है हम क्या पे कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल शायद पे कर रहे थे, यहाँ पे E.Will हम मतलब शॉर्टकट लिख लेते हैं, E.Will पे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, आई थिंक हमको वही लग रहा है। यहाँ पे आपको कमीशन रिसिप्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, शायद सही, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि पे करना यानी कि खर्च करना, खर्च मतलब एक्सपेंस। एक हमको बनाना पड़ेगा क्या चीज, परचेज का, तो यहाँ से परचेज आपको मालूम होगा कि परचेज में ही जाएगा, Ctrl+A कीजिए और एक आप बनाइए सेल का, ओके, और ये हमारा जाएगा सेल में, Ctrl+A। तो यहाँ पे हमने जो है इतना क्रिएट कर लिया, यानी कि लेजर बना लीजिए। अब एस्केप की से थोड़ा सा बैक आएंगे, उसके बाद में यहाँ से जाएंगे इन्वेंटरी इन्फो में, ठीक है, आपको लाइन से सब बनाते जाना है। तो इसमें पहले आपको क्या करना है, इसके फीचर को इनेबल करना है, कौन कौन सा, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए स्टॉक कैटेगरी और गोदाम, ये जो होता है गोदाउन, यहाँ पे दोनों में कोई नहीं आता है यहाँ पे, तो आपको इसको फीचर को इनेबल करने के लिए आपको बताया थे कैसे, थोड़ा सा बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ से F11 और F2 प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आ जाएंगे क्या चीज में, मेंटेन मल्टीपल गोदाउन को यस करेंगे और यहाँ पे मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को भी यस करेंगे, क्योंकि बार बार हम जो है यहाँ पे नहीं आने वाले, इसलिए दोनों को एक साथ क्या कर रहे हैं, यस कर रहे हैं और इसको एक्सेप्ट करा रहे हैं। अब अगर जाएंगे कहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो में, तो यहाँ पे दोनों आपको शो करेगा। तो पहले आपको कैटेगरी क्रिएट करना है, तो कैटेगरी में चले जाते हैं, क्रिएट में चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कैटेगरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे फूड्स है, ड्रिंक है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो बनाइए फूड्स, Ctrl+A, ड्रिंक Ctrl+A, ऑल एक्सेप्ट एक साथ हम कर ले रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स Ctrl+A, तो ये हमारा कैटेगरी क्रिएट हो गया। अब थोड़ा सा हम बैक आते हैं, अगर मान लीजिए हम तेजी में लिख रहे हैं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ध्यान मत दीजिएगा उतना,
चलता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। स्टॉक ग्रुप यहाँ पे बनाना पड़ेगा उसके बाद में। तो ग्रुप में देख लीजिए क्या क्या है, राइस है, कोको कोला है, एलजी है। तो ग्रुप में चलते हैं और क्रिएट करते हैं। पहले हमको क्रिएट करना होगा क्या चीज, सॉरी ये क्या आ गया, थोड़ा सा बैक करते हैं। ओ मल्टीपल ग्रुप छोड़िए, सिंगल बनाइए। यहाँ से क्या था, राइस था, ओके। उसके बाद क्या था, कोको कोला, हाँ कोको एंड कोला। उसके बाद में क्या था, कुछ और, एलजी था, एलजी। तो आप यहाँ से एलजी को डाल लीजिए। आप थोड़ा सा बैग जाइए और यहाँ पे बनाइए आपको यूनिट ऑफ मेजर। ये थ्री तीन चीज पहले बनाने के बाद में आपको जो है स्टॉक आइटम बनाना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केजी है, बोतल है और पीस है, तो ये चीज आप लिख लीजिए। पहले आपको सिंबल डालना है केजी, कंट्रोल ए, उसके बाद में पीसीएस, कंट्रोल ए, उसके बाद में बोतल, कंट्रोल ए, ठीक है। बैक कीजिए, आप चाहे तो पहले गोदाम भी बना सकते हैं या स्टॉक आइटम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्टॉक आइटम बनाते हैं और यहाँ पे देखते हैं स्टॉक आइटम में क्या क्या है। तो स्टॉक आइटम में थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कौन सा चीज है, लाल किला, कोल्ड ड्रिंक और टीवी। लाल किला, पहले हम लाल किला बना लेते हैं। लाल किला, तो इसके अंडर में हमारा क्या आ जाएगा, राइस आएगा, और इसका जो कैटेगरी हो जाएगा ये फूड का हो जाएगा, और ये हम लेते हैं लाल किला यानी कि चावल जो होता है केजी में लेते हैं। बस यहाँ से कंट्रोल ए कीजिए, उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक, ये हमारा आता है क्या चीज, कोको कोला में, और यहाँ से ड्रिंक में, और यहाँ से बोतल में, ठीक है। बस इसको कर लिए, उसके बाद में एक जो है टीवी है एलजी का, तो एलजी यहाँ पे डालिए आपको एलजी में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आपको यहाँ पे पीस में। आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये कैसे डाला जा रहा है, इसमें कैसे क्या करना है, क्योंकि ये जो है हमने बहुत बार बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं गोदाम एक बनाना है, तो गोदाम में चलते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं। देखिए कहाँ कहाँ इसका गोदाम लोकेशन दिया हुआ है, मोतिहारी पटना और मोतिहारी। तो हमको क्या करना है, बस एक केवल मोतिहारी बनाइए, मोतिहारी, डबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी डबल बनेगा नहीं। डबल आप बनाना चाहेंगे तो वहां पे कहेगा ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए हम आपको एक दिखा देते हैं, एक पटना बना के पहले। अगर हम फिर अगर मोतिहारी बनाने जाए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा, क्या कह रहा है, नेम ऑलरेडी इज इट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है बना लिया है, एक नाम से दो लोकेशन नहीं हो सकता। तो ये हमारा बन गया, एस्केप की से बैक आइए, और यहाँ से हम जो क्या करते हैं, अब ट्रांजेक्शन करेंगे। पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, किसके लिए, फॉर रिसिप्ट के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट रिसिप्ट के लिए कैपिटल में जाइए और कैपिटल में देख लीजिए कितना अमाउंट जो है यहाँ से लगाया गया है पूंजी में। तो आपको जो है अब थोड़ा सा सवाल को देखना पड़ेगा, तो 5 लाख जो है अमाउंट यहाँ पे लगाया गया है, तो 5 लाख लिखिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ से जो है कैश लगाया गया है, इसको एक्सेप्ट कराइए। नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसिप्ट है, कमीशन रिसिप्ट कितना है, दोनों देख लीजिए, कमीशन है 10,000 और सॉरी प्रोफेशनल है 10,000, कमीशन है 2,000। तो आप कोई भी एंट्री पहले करा सकते हैं, कमीशन 2,000, ये है कैश में, और प्रोफेशनल जो है इधर गया, ये हमारा 10,000 है, 1 2 3 4, यहाँ से करा लीजिए, हो गया। अब पे करना है तो F5 प्रेस कीजिए और यहाँ से पे कीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, कितना है, 500 रुपीज शायद है, देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे 500 रुपीज, 500 रुपीज आपको दे के इंटर करना है और यहाँ से कैश सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करा लेना। तो ये हमारा हो गया। आप थोड़ा सा यहाँ से बैक आ जाते हैं और चलते हैं इन्वेंट्री वाउचर में, और यहाँ पे हम वाउचर सेट करेंगे। जैसे कि पहले हमको क्या करना होगा, परचेज करना होगा, परचेज के लिए क्या करना होगा, यानी कि F9 आपको ये याद होगा। आप सप्लायर नंबर पूछ रहे हैं तो कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो अपने से कुछ डाल सकते हैं।
बाकी यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, बस आपको परचेस लेजर क्रिएट करना है, मतलब यहाँ से नेम ऑफ आइटम को डालना है। तो फर्स्ट हमारा आइटम क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हमारा आइटम जो है वो हमारा है राइस, ठीक है, यानी कि लाल किला। तो यहाँ पे हम जो है स्पेस प्रेस करते हैं और यहाँ से लाल किला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे गोदाम पूछ रहा है, तो गोदाम हमारा कहाँ पे है, इसका मोतिहारी है और क्वांटिटी 15 है 1000 के भाव में। तो यहाँ से स्पेस दीजिए और यहाँ से मोतिहारी सेलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी ये बार बार थोड़ा सा सामने आता है तो रहता है ना 15 1000 और यहाँ से 1000, ठीक है, रेट आप फिक्स कीजिए। उसके बाद में यहाँ से फिर पूछ रहा है कि नेक्स्ट हमारा जो है कहाँ पे है, तो ये पटना है लोकेशन, और इसमें क्या चीज है, सॉरी एक चीज हमने जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लोकेशन केवल एक ही एंट्री कराना है, एक ही एंट्री के बाद में आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करा देना है। ये डबल एंट्री हमने करा दिया है, थोड़ा सा इसको बैक करते हैं और यहाँ पे लाल किला का फिर से एंट्री कराते हैं, एंड ऑफ लिस्ट, फिर से इंटर कीजिए, फिर से सेकंड आइटम को चूज कीजिए। सेकंड आइटम हमारा क्या है, सेकंड आइटम हमारा है कोको कोला, यानी कि बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो है 20 है 105 के रेट से, तो कोल्ड ड्रिंक सिलेक्ट कीजिए और इसका लोकेशन है पटना, कोल्ड ड्रिंक 20 पीस है और 105 के रेट से, तो इसको आपको सेलेक्ट कीजिए। फिर एक और आइटम हमारा है टीवी, तो टीवी को भी एंट्री करा लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका गोदाउन है मोतिहारी, अगर चाहे तो आप सॉरी एम भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर एक लोकेशन हो तो, या लिख सकते हैं या स्पेस प्रेस करके ले सकते हैं। यहाँ पे 25 है और 30000 के रेट से है, यानी कि 25 पीस 30000 के रेट से, तो 25 पीस 30000, 1 2 3 4 ये होता है आपका 25000 के रेट से हो गया। हमने जो है यहाँ परचेज का एंट्री करा लिया है, अब यहाँ से इंटर कर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। अब हमको क्या करना है, सेल करना है, तो पहले आपको खरीदना है फिर बेचना है, तो इसके लिए सेल करने के लिए F8 ये याद होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो मेरे पास रेफरेंस नंबर मान लीजिए 2 है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको जब भी शॉप ओपन कीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेल में जाइए और यहाँ से स्पेस प्रेस कीजिए, तो फर्स्ट जो है हमने लिया था कोको, मतलब इस क्या बोलते हैं लाल किला, लाल किला सेल कर रहा हूँ। यहाँ से हम आपको बायोडाटा दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे लाल किला 5 पीस जो है 1200 के रेट से हम सेल कर रहे हैं, तो ये भी हमारा लोकेशन था सेम लोकेशन मोतिहारी, यहाँ पे 5 पीस 1200, ठीक है, और यहाँ से एंट्री कराइए। नेक्स्ट हमारा क्या था, कोल्ड ड्रिंक, और इसका लोकेशन हमारा पटना था। यहाँ पे क्वांटिटी देख लेते हैं क्या है, देखिए लोकेशन पटना है, कोल्ड ड्रिंक का 10 बोतल है 165 के रेट से सेल कर रहे हैं, कि 10 बोतल सेल कर रहे हैं 165 के रेट से, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट एक और है आपके पास टीवी, देखिए जब भी हम सामान लेते हैं ना क्या होता है ना कि हम सस्ता में लेते हैं उसको महंगा में अपना जो भी है बेचते हैं। टीवी जो है 10 पीस लिया गया है 32 के हिसाब से, यानी कि 32000, और इसका लोकेशन मोतिहारी है, तो यहाँ पे कितना था 10 पीस 32000, राइट 10 पीस 32000, 1 2 3, तो ये आपका एंट्री हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कितना दिखा रहा है, इसका हुआ कितना 327650 रुपये हमको, मतलब इतना सामान सेल करने पे आया है, और परचेज का आप देख सकते हैं कितना था, आपको मुनाफा समझ में आ जाएगा। तो यह आपने एंट्री करा लिया, अब आपको आपको क्या देखना है, इसमें बैलेंस शीट देखना है, तो बैलेंस शीट में जाइए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 33000 यहाँ पे हो रहा है 33100 रुपया, 33100 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है केवल उतना सामान सेल करने पे, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे कुछ चीजें जो है
बढ़ा चढ़ा के सेल किया हुआ है, मतलब उसके रेट को। यहाँ पे आप डिस्प्ले में जाइएगा, बाकी जो भी देखना है ट्रायल बैलेंस ये सब आपको शो कर देगा। और भी थोड़ा सा बैक आके आप डे बुक में जा सकते हैं और यहाँ पे इसका एंट्री का देख सकते हैं। अगर सुधार करना हो कोई चीज तो यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो है समझ में आ गया कि कैसे परचेस सेल करेंगे। अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है मैं एक और नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा, सेल के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन, जिसमें आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।